क्या क्या विशेष यहाँ पे पूजा किया जाएगा और विशेष यहाँ पे मेला में क्या क्या मनाया जाएगा। सप्तमी के दिन माता को लाने के लिए झांकी का भी प्रोग्राम रखे हुए हैं, हम लोग से लोग बाजार के लोग लेते हैं किसी गाड़ी वगैरह से, वो हम लोग ऐसे कार्यक्रम भी है, तीन चार लोग आ रहे हैं, कुछ लोग गोरखपुर के लोग आ रहे हैं। नमस्कार, मैं पप्पू कुमार और आप देख रहे हैं पी न्यूज बिहार। अभी मैं मौजूद हूँ हर सिटी मार्केट में, ये रक्सौल है, तो रक्सौल से ये मुख्य मार्ग हर राज्य जोड़ता है और ये हर सिटी मार्केट है। यहाँ पे हर साल की भांति इस साल की दुर्गा पूजा किया जा रहा है, हालांकि इस साल 15 अक्टूबर से दुर्गा पूजा चालू हो रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ कमेटी के लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कितने दिनों से यह पूजा कराया जा रहा है यहाँ पे और इस साल इस पूजा में क्या मुख्य रूप से क्या क्या इसमें मनाया जा रहा है और क्या क्या यहाँ व्यवस्था है। हालांकि हम अंदर आएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार जाएंगे दिखाने के लिए। यहाँ पे सारे दुर्गा माता हर एक मूर्ति का यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है, हालांकि कमेटी कुछ लोग हैं, उन लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कितने दिनों से यहाँ पे दुर्गा माता का पूजा किया जाता है और इस साल क्या क्या विशेष यहाँ पे पूजा किया जाएगा और विशेष यहाँ पे मेला में क्या क्या मनाया जा रहा है। हालांकि बहुत सारे कमेटी के यहाँ पे लोग हैं, कुछ लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुनील। सुनील, कमेटी का क्या नाम है? आदर्श दुर्गा पूजा समिति। कितना दिन से पूजा यहाँ पे होता है? 47 वर्षों से। 47 वर्षों से पूजा होता है। इस साल क्या व्यवस्था है यहाँ पे? इस साल मूविंग मूर्ति का व्यवस्था है, कटने का और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी है। कंप्यूटराइज मूर्ति बन रही है? हाँ, प्लान में है, लेकिन देखिए हम कोशिश में लगे कि हो जाए और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है तीन चार दिनों का। कार्यक्रम कब से चालू होगा? सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, चार दिन के लिए। मेला में क्या क्या व्यवस्था है? ये सांस्कृतिक कार्यक्रम यही है, शांतिपूर्ण ढंग से मेला में यही है और मेला लगेगा, अगल बगल की दुकानें सब आती है यहाँ पे और शांति से सब कुछ होता है यहाँ पे। यहाँ पे जो जागरण होगा उसमें कहाँ के लोग आ रहे हैं जागरण करने के लिए? मोतिहारी से। क्या नाम है आपका? विक्रमा प्रसाद। आप इस कमेटी के सदस्य हैं? हाँ। कहाँ कहाँ के लोग आ रहे हैं प्रोग्राम? यहाँ मोतिहारी के लोग आ रहे हैं, कुछ लोग गोरखपुर के लोग आ रहे हैं। जो टीम होते हैं वो लोग अपने अपने जोड़ कर अलग अलग से लाते हैं। ये साल हम लोग सप्तमी के दिन माता को लाने के लिए झांकी का भी प्रोग्राम रखे हुए हैं। माता को अखीर ये साल हम लोग पूरे बाजार को भ्रमण करते हुए माँ को अखीर लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपने सुना होगा इन लोगों का आना है कि सप्तमी के दिन जो होगा झांकी निकाला जाएगा और माता को यहाँ पे लाया जाएगा। हालांकि सांस्कृतिक कार्य का प्रोग्राम भी होगा यहाँ पे, हालांकि चार दिनों का, सप्तमी, आठवीं, नौवीं और दसवीं। और यहाँ पे इस साल कंप्यूटराइज मूर्ति बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है, हालांकि हर साल शायद नहीं बनता है कंप्यूटराइज मूर्ति और इस साल बनाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि और सारे बहुत सारे लोग हैं कमेटी के, हालांकि 47 वर्षों से पूजा किया जाता है यहाँ पे ना, 47 वर्षों से यहाँ पूजा किया जाता है। आपका नाम क्या हुआ? शंभू अग्रवाल। आप भी कमेटी के सदस्य हैं? इस साल पूजा को लेकर क्या तैयारी चल रहा है? पूजा की तैयारी, मूर्ति उर्ति बन रही है और ये मेला वाला लगेगा और झांकी उर्की के निकलेगा यहाँ पर और जागरण वगैरह का प्रोग्राम होगा, यही सब प्रोग्राम। और क्या हर साल के बाद इस साल कुछ व्यवस्था अलग है? नहीं, व्यवस्था मिला जुला सब एक ही है। कई फंड का भी दिक्कत रहता है यहाँ पर, यहाँ पर जो फंड रहता है उसी से भी व्यवस्था की जाती है। बाहर से कोई पैसा नहीं मंगाया जाता है, बाजार से पैसा लेकर के काम किया जाता है। ये जो पूजा होता है हर सिटी मार्केट के लोग ही पूजा कराते हैं? सिटी के मार्केट, हम लोग गाड़ी वगैरह से किसी से पैसा नहीं लेते, हम लोग सिर्फ बाजार के लोग लेते हैं किसी गाड़ी वगैरह से, वो हम लोग ऐसे पैसा लेते हैं। मतलब हर सिटी मार्केट में जितने दुकानदार हैं वो लोग हम लोग। आपने सुना होगा हर जगह कहीं ना कहीं रास्ता पे लोग बांस लगाकर और खड़ा होकर चंदा मांगता है लोग। ये हर सिटी है, हर सिटी में यहाँ पे चंदा नहीं लिया जाता है, हालांकि जितनी भी सारी दुकान है वो लोग से चंदा लेकर यहाँ पूजा किया जाता है, इसलिए अपना जो मिलता है उसी में पूजा किया जाता है। बांस पल्ला लगा के हम लोग चंदा यहाँ वसूल नहीं करते हैं, किसी को बस वाले को रोककर, ट्रक वाले को रोककर, ये सिस्टम हमारे हर सिटी में नहीं है। आर्थिक बने लोकल के, हर साल ऐसा ही होता है, हर साल ऐसा ही होता है। कितना दिनों से पूजा यहाँ पे हो रहा है? हाँ, मोटा मोटी मुझे 50 साल से होता होगा। 50 साल से यहाँ? हाँ, ऐसे हो रहा है, बहुत दिनों से हो रहा है यहाँ पे। किसी तरह किसी से मतलब है, कहा जाए तो मनमानी रुपये नहीं लिया जाता यहाँ पे। हर एक जितने भी दुकान है मार्केट में सारे दुकानदारों से बोला जाता है और दुकानदार को जितना क्षमता होता है उतना अपना मदद करते हैं लोग और उस तरह से यहाँ पे पूजा कराया जाता है। हालांकि 47 वर्षों से यहाँ पे पूजा होता है और हर साल के बाद इस साल भी यहाँ पूजा किया जा रहा है और यहाँ पे अनेकों तरह के, यहाँ पे आपको बता दें कि जागरण का प्रोग्राम किया जाएगा जो कि चार दिन के लिए जागरण होगा, सप्तमी, आठवीं, नवमी और दसवीं। आप लोग आए और सनातन धर्म के लिए बहुत ही अच्छा ये दुर्गा माता का पूजा होता है जो कि 15 अक्टूबर से चालू होगा। अब आप लोग इसमें आइए और सप्तमी से ये जो पूजा होता है चालू हो जाएगा। माता सप्तमी के दिन माता का आंख खुलता है और उस दिन से जागरण प्रोग्राम का शुरुआत किया जाएगा। बाकी आप देख रहे थे पी न्यूज बिहार और मेरा नाम है कुमार।